गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्ते। आप अच्छे हैं ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। एंड वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ स्टैंडर्ड 7 साइंस चैप्टर नंबर 3। इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा था फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में। ओके, सो एक बार फिर से उसको हम रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर? राइट ऑन। लेट्स स्टार्ट विथ अवर टॉपिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। इज इट क्लियर? सी, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। आप कंपाउंड जैसे बता रहे थे तो ए और बी, ठीक है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जा रहा था, ए 3 बी 2। ठीक है, अब थोड़ा ये समझिए, एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट मान लो सी है, इसका भी वैलेंसी 2 और इसका भी 2, ठीक है, तो इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे और लिख रहे थे ए 2 सी 2, सही है। तो आप समझो बात को, जब सेम नंबर हो, वैलेंसी सेम हो, सी बोथ आर सेम, देन यू आपको करना कुछ नहीं, इसको नहीं लिखना है डायरेक्ट, बस जैसे यहां लिखे ना तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए सी, दिस इज आंसर। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने ये दिया था जिंक प्लस O2, ठीक है, इसका 2 इसका भी 2। अब यहां देखो अच्छे से, ये 2 दिया हुआ है तो आपको 1 मानना है, ठीक है, आपको इसमें साइंस नहीं लगाना है कि ये कितना है, बस इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ये एटम को देखना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 2, तो ऐसा मत कर देना कि ये 4 कर देंगे। तो आप देखो यहां पे सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ZnO, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना कि इसका 2 मल्टीप्लाई करके यहां 2 कर देंगे। अभी बस सुनने, एक और देखो, इसमें भी दिक्कत हुई थी आपको, जिंक SO4, या हम इसको वो ही ले लें ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ठीक है, इसका 2 इसका 2, अब देखिए जेड ये है, इसका 2 इसका 2, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या लिख देंगे, ZnSO4, ठीक है। अभी बस समझ में, फिर जहां सेम नंबर हो तो वहां पे आप मल्टीप्लाई करें या फिर कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में, जैसे यहां हमने 2 2 को कैंसिल कर दिया और डायरेक्ट लिख दिया, अगर आप चाहते तो इसको ऐसे लिखते, ZN2SO4 2, ये 2 2 कैंसिल हो जाता था, फिर यही चीज आ जाता। आई बात समझ में, ओके क्लियर है। एक दो और क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, आप समझेंगे उसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल सी, दिस इज एल्यूमिनियम एंड दिस इज SO4, द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3 एंड द वैलेंसी ऑफ SO4 इज 2, यू हैव टू मल्टीप्लाई लाइक दिस, देन सी Al2, ओके। अब आपको ऐसा मत करना कि सब में मल्टीप्लाई करने लगना, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे जो कंपाउंड हो तो, और होल 3। आई बस सुन में, जैसे एक और देख लो आप एग्जाम्पल, Fe SO4, इसका 3 इसका 2, मल्टीप्लाई करो, Fe2 एंड SO4 इज अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल, सो अब आप इसको होल 3 करो, ठीक है। आई बस समझ में, यहां 2 यहां 3, ओके। एक और देख लो, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, इसका 2 सॉरी इसका 3 इसका 2, इसको मल्टीप्लाई करो, अब दोनों एटम है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे Al2, ओके, नोट डाउन, आप नोट करिए फिर हम आपको आगे बताते हैं, नोट कर लिए। सम मोर एग्जांपल्स फॉर प्रैक्टिस, आप इसको सॉल्व करिएगा, क्वेश्चंस को हम दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको सॉल्व करके हमको मैसेज करेंगे, ओके। दिस इज कैल्शियम, दिस इज वैलेंसी 2 2, क्वेश्चन नंबर 2, Fe O 3 2, क्वेश्चन नंबर 3, Mg SO4 2 2, क्वेश्चन नंबर 4,
सी 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 ओवरटेक इट सी एल 4-1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन दिस इज एम एन सो 4-2 ये क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करके सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और फिर हमको अगले दिन मैसेज करेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन चेक करेंगे आपको। सी ए ओ एच इसी 1 वैलेंसी 2 क्वेश्चन नंबर 7 एम जी ओ एच 2-1 क्वेश्चन नंबर 8 एन ओ एच 1-1 क्वेश्चन नंबर 9 एन ए सी एल 1-1 और क्वेश्चन नंबर 10 एन ए ओ 1-2 देयर टोटल 10 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व एंड सेंड मी बाय टुमारो। ओके इसको नोट करिए और कल हमें आप सॉल्व करके मैसेज करेंगे, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल, एक और फिर हम समझाने का कोशिश करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। जैसे ये है एन ए हटा दो, आप इसको ले लो बी ए ओ एच, दिस इज बेरियम, इसका वैलेंसी 2 और इसका 1। तो अब देखिए ये एटम है ना, ये तो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल से दो का मिक्सचर है, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, यहां तो एक है बी ए, तो अगर दो आ जाए तो ब्रैकेट लेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे बी ए लिख दिए। अब ये दो एटम है तो यहां पे ओ ब्रैकेट लेंगे फिर ब्रैकेट और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर यहां भी 1 होता और यहां भी 1, जैसे आप एक देख लीजिए एल आई ओ एच, ठीक है, इसका भी 1 होता और इसका भी 1, तो आप मल्टीप्लाई करिए इसको इससे, इसमें ब्रैकेट लेना चाहिए, तो ऐसे लिख सकते हैं एल आई ओ एच, यहां भी 1 वहां भी 1, तो 1 उनका कोई मीनिंग नहीं है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट ये मतलब अगर यहां 2 होता तो ब्रैकेट हटाने में दिक्कत होता, तो 1 तो है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट, हमने आपको समझाया, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन। ओके बिफोर दैट वी हैव टू स्टडी, आई नो यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 6 ऑल्सो, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। समझिए बात को, केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या है, ठीक है। केमिकल चेंज समझते हैं, डू यू नो अबाउट केमिकल चेंज। सी एनी प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इज इट क्लियर। एनी सब्सटेंस, एनी प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज, एंड एनी सब्सटेंस, एनी प्रोसेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज नोन एज फिजिकल चेंज। इज इट क्लियर। केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल, वेयर एज फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल, इट कैन बी रिवर्स बैक। इज इट क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी, दैट इज रिएक्शन। ओके नोट डाउन रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन। इट इज अ प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज टेक प्लेस, इज इट क्लियर। इन विच दैट मीन्स अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नॉट गेटिंग माई पॉइंट, आई रिपीट इट। एनी प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज इज टेक प्लेस, मतलब ऐसा प्रोसेस जहां पे केमिकल चेंज होता है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिएक्शन। और केमिकल, अभी हमने आपको बताया कि केमिकल चेंज जहां होगा तो नया सब्सटेंस बनेगा, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इज इट क्लियर। So write down first definition, the process in which chemical change take place, chemical change
टेक प्लेस, रिटन द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज टेक प्लेस प्लेस इज कॉल्ड रिएक्शन, रिएक्शन दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड टेक प्लेस, इज इट क्लियर? मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज होता हो, और केमिकल चेंज का मतलब है कि जहां पे नया सब्सटेंस बनता हो आप उसको भी रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ये देखिए H2 को O2 के साथ मिला रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने आपको कंपाउंड बनाना सिखाया है कि वैलेंसी की हेल्प से बनाते हैं। इसका वैलेंसी 1 होता है और इसका वैलेंसी 2। ये 2 से नहीं घबराना है, ये क्या दिया है, ये क्या दिया है उससे कोई मतलब नहीं, इसको 1 मानना है, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और इसको 1 से, तो क्या हो जाएगा H2O। बैलेंसिंग हम आपको बाद में समझाएंगे, अभी बैलेंस पे ध्यान नहीं देना। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो H2O, और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से आपको कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, नोट डाउन। तो ये देखिए हाइड्रोजन को मिला है ऑक्सीजन को, तो एक नया सब्सटेंस बना ना, इसको बोलते हैं वाटर, इसलिए इसको बोलते हैं रिएक्शन। ये क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, H2 प्लस Cl2 इसको मिला रहे हैं। यहां देखिए इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, ये 2 से फिर आपको कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं? ये 2 दिया वो इससे आपको कोई मतलब नहीं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे, तो क्या बन जाएगा, HCl, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हम आपको बाद में समझाएंगे कि कैसे बनता है। तो ये क्या बना, नया सब्सटेंस, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या, हाइड्रो क्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज क्लोरिन एंड इट फॉर्म न्यू सब्सटेंस, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्शन। आई वाज सुन, अब देखो लिखे, ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो एक नया सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहा है, रिएक्शन। यहां भी देखिए ये दोनों को मिक्स किए, एक नया सब्सटेंस बना, इसको भी क्या बोलेंगे आप, रिएक्शन, ठीक है। अब ये देखो इस साइड में जो आप ले रहे हो यहां पे, ठीक है, ये दोनों को मिक्स किए, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट। और ये जो नया बना, नया बनने वाले को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, सही है। जो इस साइड में एरो, ये एरो है, एरो के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, देख रहे हैं इस साइड, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। एरो के राइट साइड में लिखा रहेगा उसको प्रोडक्ट, ठीक है। एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, राइट साइड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट, याद रहेगा, नोट कर लो अच्छे से, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट और राइट साइड में प्रोडक्ट, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, बस एक ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट का प्रॉपर्टी प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगा, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे।